हे फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले सेलो नोवेल्टी प्लास्टिक अलमीरा का, जो कि एक पोर्टेबल अलमीरा है, जो कि कुछ इस तरीके के छोटे से बॉक्स में आया है। आप देख सकते हो बॉक्स का साइज काफी छोटा है, बट बॉक्स काफी भारी है। 16 केजी के आसपास इसका वेट है और भारी होना भी चाहिए। भारी है इसलिए इसका प्लास्टिक का क्वालिटी अच्छा है। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोग दूसरे जगह पे कहीं पे रेंट पे रहते हैं, पीजी में रहते हैं, जॉब के पर्पज से हो या किसी कॉलेज में कोई स्टूडेंट पढ़ता है, और वो अगर अपने लिए एक अलमारी खरीदना चाहते हैं तो उनको जब वो शिफ्ट करते हैं कहीं पे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया था अपने कॉलेज टाइम पे। तो इस तरीके का जो अलमारी होता है, इसको आप कभी भी डिसेंबल कर सकते हो आपका यूज़ हो जाने के बाद। कुछ इस तरीके के बॉक्स में आप डाल सकते हो, छोटे छोटे पार्ट हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, और कहीं पर भी लेके जा सकते हो, कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो आसानी से। दोस्तों, इस अलमारी का सारा पार्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, सब कुछ बिखरा हुआ है। कैसे असेंबल करना है वो भी दिखाऊंगा। इसके अंदर से आपको इस अलमारी का जो की है, जो चाबी है, ये मिलेगा। हाँ, इस अलमारी में लॉक सिस्टम भी है, आप इसको की से लॉक कर सकते हो और सेफली अपने चीज़ों को रख सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाता है, कैसे आपको इसको फिक्स करना है। हर एक पार्ट्स में शायद नंबरिंग दिया होगा, कौन से नंबर को कहाँ पे लगाना है, कैसे फिक्स करना है, सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड दिया हुआ है, आप देख सकते हो। हालांकि मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा कैसे इसको फिक्स करना है, बहुत ही आसानी से आप इसको ईजिली फिक्स कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं कैसे इसको असेंबल करना है। दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको टोटल 6 डोर पैनल्स देखने को मिलेंगे। इनमें से 3 लेफ्ट डोर पैनल है और 3 राइट डोर पैनल है। इनके पीछे आपको लेवलिंग देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट टॉप डोर पैनल ऐसा कुछ है, और मिडिल वाला अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा लेफ्ट मिडिल डोर पैनल, जिससे कि आप आसानी से इनको पहचान पाओगे और इंस्टॉलेशन गाइड को फॉलो करके इजीली इनको फिक्स कर पाओगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 बैक पैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। 6 आपको साइड पैनल्स देखने को मिलते हैं। साइड पैनल और बैक पैनल के पीछे भी आपको लेवलिंग देखने को मिल जाएगा, जैसे कि साइड पैनल में सभी में आपको साइड पैनल लिखा हुआ मिलेगा और बैक पैनल में सभी में पीछे आपको बैक पैनल लिखा हुआ मिलेगा। 4 आपको सेल्फ पैनल्स मिलते हैं। सेल्फ पैनल का फ्रंट साइड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है और बैक साइड कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पे भी आपको लेवलिंग देखने को मिल जाता है, सेल्फ असेंबली करके लिखा हुआ है। और आपको देखने को मिलता है अलमारी का नीचे का हिस्सा, जो बॉटम असेंबली के नाम से यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है, और ऊपर का हिस्सा जो कि टॉप असेंबली के नाम से यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है। टोटल 10 आपको यहाँ पे कनेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से 2 आपको बैक कनेक्टर मिलते हैं, 4 आपको साइड कनेक्टर मिलते हैं, 2 आपको लेफ्ट डोर कनेक्टर देखने को मिलते हैं और 2 आपको राइट डोर कनेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सभी कनेक्टर्स में भी आपको लेवलिंग देखने को मिल जाता है। इनमें आपको पेपर लेवलिंग नहीं मिलता है, इसके ऊपर प्लास्टिक में ही प्रिंटिंग किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे शायद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बैक कनेक्टर करके, और इसी तरीके से सभी कनेक्टर्स में आपको लेवलिंग देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप इनको आसानी से पहचान सकते हो। की को लेके बॉक्स के अंदर आपको टोटल 35 आइटम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बॉटम असेंबली को यहाँ पे नीचे रखना है, और आपको चाहिए 2 बैक पैनल्स। बैक पैनल्स का ये वाला सामने का हिस्सा रहेगा और ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ रहेगा। तो इसको हम सामने की तरफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे। थोड़ा सा प्रेस करने पर ही ये नीचे अच्छे से फिट हो जाएगा। फिर ये दूसरा बैक पैनल भी हम सेम तरीके से यहाँ पे फिट करेंगे। फर्स्ट लेयर में बैक पैनल फिक्स होने के बाद आपको 2 साइड में साइड पैनल्स को लगाना होगा। साइड पैनल का ये जो प्लेन सरफेस है जिसमें डिजाइन किया हुआ है, ये बैक साइड में रहेगा यानी बाहर की तरफ, और ये वाला पोर्शन अलमारी के अंदर की तरफ रहेगा। देखिए मैं कैसे फिक्स करता हूँ। बिल्कुल जैसे आपने बैक पैनल को फिक्स किया उसी तरीके से आपको इनको फिक्स करना है। थोड़ा सा अगर आप प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएंगे आसानी से। फर्स्ट लेयर के बैक साइड और साइड पैनल्स को फिक्स करने के बाद आपको सबसे पहले एक बैक कनेक्टर लेना होगा, और बैक कनेक्टर को आपको यहां पे कुछ इस तरीके से फिक्स करना होगा। थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अभी आपको 2 साइड कनेक्टर्स चाहिए। साइड कनेक्टर का ये वाला जो पोर्शन है, ये आपके आगे की तरफ रहेगा ये वाला पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है ये पीछे की तरफ रहेगा।
सेकेंड लेयर में अभी हमें पहले बैक पैनल्स को फिक्स करना है और साइड पैनल्स को फिक्स करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट लेयर में किया। तो यहाँ पे मैं एक बैक पैनल को ले रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये बैक साइड में रहेगा पीछे की तरफ, और ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रंट साइड में रहेगा अलमारी के अंदर की तरफ, जैसे हमने पहली बार किया। तो कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अभी दूसरा बैक पैनल को भी हम सेम तरीके से यहाँ पे फिक्स करेंगे। साइड पैनल्स को भी हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। साइड पैनल का ये वाला पोर्शन अलमारी के अंदर की तरफ रहेगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने अलमारी का जो फर्स्ट लेयर है और जो हमारा सेकंड लेयर है उसके बैक पैनल्स को और साइड पैनल्स को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अभी थर्ड लेयर पे काम करेंगे और उसके लिए हम एक बैक कनेक्टर को ले लेंगे और बिल्कुल जैसे पहली बार हमने फिक्स किया था उसी तरीके से यहाँ पे फिक्स करेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रेस करना है तो ये फिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं एक साइड कनेक्टर को ले लेता हूँ। साइड कनेक्टर का ये वाला जो पोर्शन है ये सामने की तरफ रहेगा। दोनों साइड पे ही आपको साइड कनेक्टर्स को यहाँ पे अटैच करना है। कनेक्टर्स को लगाने के बाद थर्ड लेयर पे हम काम करेंगे और इसके लिए मैं एक बैक पैनल को ले लेता हूँ। बैक पैनल का ये वाला जो पोर्शन है ये सामने की तरफ रहेगा और ये वाला जो पोर्शन है ये पीछे की तरफ रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया, और बिल्कुल इस तरीके से आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ये अभी ले लेता हूँ सेकेंड बैक पैनल, इसको भी कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, ये कनेक्ट हो जाएगा। साइड पैनल का ये वाला पोर्शन अलमारी के अंदर की तरफ रहेगा। दोस्तों, ये जो अलमारी है ये अलग अलग वेरिएशन में आता है, अलग अलग कलर्स में आता है, अलग अलग साइज में आता है। वीडियो के एंड में मैं कौन कौन से टाइप के आपको मिलते हैं, कौन कौन से कलर्स के आपको मिलते हैं, सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, अभी एकदम ऊपर में आपको टॉप असेंबली को फिक्स करना है। टॉप असेंबली का ये जो कलर वाला एरिया है ये सामने की तरफ रहेगा, तो कुछ इस तरीके से आपको इसको फिक्स करना है। दोस्तों, इसको आपको पूरी तरीके से नहीं लगाना है, सामने की तरफ आप देख सकते हो खुला हुआ है, पूरा मैं इसको नहीं दबा रहा हूँ और पीछे की तरफ जितना हो सके मैं इसको दबा रहा हूँ। ये डोर को लगाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, कुछ ही देर में हम डोर को फिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आपको अलमारी में सेल्फ्स को फिक्स करने हैं। यहाँ पे आपको चार सेल्फ असेंबली देखने को मिलता है, पीछे आपको लेवलिंग दिया जाएगा सेल्फ असेंबली का, इनको आपको फिक्स करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे होल्स है जिन होल्स में आपको इस सेल्फ के ये वाला जो पोर्शन है इसको फिक्स करना है। यहाँ पे आप अपने मर्जी के हिसाब से स्पेस चुन सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी होल में आपको एक सेल्फ को फिक्स करना है या इसी होल में करना है। आप अपने हिसाब से जैसा आपको स्पेस चाहिए अपने अलमारी में उस हिसाब से फिक्स कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए तो मैं एक सेल्फ को यहाँ पे फिक्स करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेल्फ फिक्स हो चुका है, यहाँ पे नीचे लॉक्स में ये फंस चुका है। और अगर इसको मुझे निकालना है तो किसी एक तरफ, इस तरफ या फिर इस तरफ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर प्रेस करूँगा तो ये निकल जाएगा। इस तरीके से मैं बाकी सेल्फ को भी यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम सबसे पहले डोर्स को फिक्स करेंगे। ये यहाँ पे मेरे पास तीन लेफ्ट डोर के पोर्शन है, ये लेफ्ट डोर का बॉटम वाला पोर्शन है, ये मिडिल वाला है और ये टॉप वाला है। कैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पीछे यहाँ पे लेवलिंग दिया हुआ है लेफ्ट बॉटम डोर पैनल। तो हम पहले बॉटम वाले पोर्शन को लेते हैं और यहाँ पे हम एक कनेक्टर को फिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से, प्रेस करेंगे
फिर डोर का जो मिडिल वाला पोर्शन है इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, प्रेस करेंगे। अभी एक दूसरा कनेक्टर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये जो कनेक्टर है ये लेफ्ट डोर कनेक्टर विथ हैंडल है। नीचे जो हमने कनेक्टर ऐड किया था उसमें हैंडल नहीं था, इसमें हैंडल है। तो हैंडल आप वहीं पे फिक्स कीजिए जहाँ पे आप अपने लॉक को लगाना चाहते हो। तो मेरा जो हाइट है उस हिसाब से मैं इसको ऊपर लगा रहा हूँ। अगर आप इसको नीचे वाले में लगाना चाहते तो वो भी आप कर सकते थे। और अभी ये जो टॉप वाला पोर्शन है डोर का उसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो ये एक दरवाजा हमारा रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमने लेफ्ट डोर को असेंबल किया बिल्कुल उसी तरीके से हमने राइट डोर को भी यहाँ पे बना लिया। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो अलमारी लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी बस हमें यहाँ पे डोर्स को फिक्स करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेफ्ट डोर को फिक्स करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एक होल है और यहाँ पे लेफ्ट डोर जो हमारा है यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए एक पोर्शन हमें दिया गया है, थोड़ा सा उभरा सा एक हिस्सा है। इस पोर्शन को हमें इस होल में फिक्स करना है। ये फिक्स हो गया। ये हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक कटा हुआ पोर्शन है और यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन है। ये आपको ऊपर की तरफ भी एक दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको फिक्स करता हूँ। इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे पुश करना है ताकि इसमें ये पोर्शन अटक जाए। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से पुश करेंगे। दोस्तों ये टॉप असेंबल जो था इसको मैंने सामने की तरफ पूरी तरीके से फिक्स नहीं किया था, पीछे की तरफ से फिक्स किया था। मैंने कहा था यहाँ पे डोर आके लगेगा तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर इसको लेंगे और यहाँ पे डोर को रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल नीचे जैसे था उसी तरीके से एक उभरा हुआ हिस्सा है जो कि यहाँ पे एक होल में चला जाएगा। ये करने के बाद आपको डोर को थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करना है ताकि इस तरीके के जो लॉक्स है, दो लॉक हर डोर में है, नीचे की तरफ एक है और यहाँ पे एक है, इसको आपको थोड़ा सा प्रेस करना है तो ये एक थोड़ा सा आवाज़ होगा और ये अट जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल नीचे भी हम यही करेंगे। सो फ्रेंड्स लेफ्ट डोर जो है वो फिक्स हो चुका है और यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से खुलेगा और बंद होगा। अभी राइट डोर को हम फिक्स करते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस से। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा जो दोनों दरवाजा है ये लग चुका है। आप इसको आसानी से क्लोज कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। अभी डोर्स में लॉक सिस्टम भी है, कैसे लॉक करना है देख लीजिए। फ्रेंड्स अलमारी को लॉक करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट डोर के नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आपको ऐसे लॉक्स देखने को मिलेंगे। इन लॉक्स को अगर आप ऐसे प्रेस करोगे तो ये लॉक हो जाते हैं और यहाँ पे एक बटन है, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो ये लॉक रिलीज हो जाएगा। तो आपको लेफ्ट डोर को सबसे पहले यहाँ पे बंद करना है। यहाँ पे देखिए ये जो लॉक है, यहाँ पे लॉक को मैं प्रेस करूँगा तो ये लॉक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर भी एक लॉक है अंदर की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस ऊपर के लॉक को भी हम नीचे से ऊपर प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अभी यहाँ पे राइट साइड का जो डोर है इसको आपको यहाँ पे बंद करना है और बंद करने के बाद की से यहाँ पे आपको लॉक करना है। तो दोस्तों ये अलमीरा आपको कैसा लगा ये वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये अलमीरा परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप अपने घर पे इस अलमीरा को ऑर्डर करवा सकते हो। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।